मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस हेमंत प्रेक्षक की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है। साल 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया था। राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ ही गुजरात हाईकोर्ट में पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर की थी, जिस पर लंबी सुनवाई चली थी। आपको बता दें कि इस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी और इसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो गई थी। इसके अलावा उन पर 6 साल चुनाव लड़ने की रोक भी लगी थी। अब हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा बरकरार रखी है, यानी वो लंबे वक्त तक लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यहां आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी के पास इस फैसले के खिलाफ भी अपील करने का ऑप्शन रहेगा। वो हाई कोर्ट की ही बड़ी बेंच के सामने इस फैसले पर अपील कर सकते हैं। इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट में भी इससे जुड़ी अपील दायर कर पाएंगे। राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली की थी और इसी दौरान मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने बयान दिया था। 23 मार्च को सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई। उन्हें इस मामले में तुरंत ही जमानत भी मिल गई थी। सूरत के कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। दरअसल अगर किसी सांसद को 2 या उससे अधिक वक्त तक की सजा मिलती है तो उसकी संसद सदस्यता चली जाती है। राहुल गांधी की सजा के ऐलान के अगले ही दिन उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कॉमेंट करके। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।